नमस्कार, जय हिंद तमाम साथियों को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो भाई सारे? एक बार पुनः सब साथियों का स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आप तमाम साथियों को इस बात से विदित होगा कि राजस्थान पुलिस की भी भर्ती है, वो एक बड़ी भर्ती आपके बीच आने वाली है। 2025 है, वो एक खुशियों का दौर है ना। वो एक वो अभी इन दिनों के अंदर वो क्या चल रहा है कि एक आपने वो शायरी भी सुनी होगी कि दिसंबर गुजरा नहीं, जनवरी गुजरा नहीं कि दिसंबर आ गया, है ना। चाहे चलते पैरों के बीच में क्या आ गया, जनवरी गुजरा नहीं कि दिसंबर आ गया। लेकिन ये दिसंबर जाने के बाद में जब 2025 आप तमाम साथियों के लिए आएगा, वो एक भर्तियों का बड़ा दौर आएगा। जैसा कि सरकार ने घोषणा की थी कि हम हर वर्ष 1 लाख पदों पर भर्तियां करवाएंगे, लग रहा है सपना साकार होगा। अधीनस्थ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, बार बार पर समय समय पर हमें अवगत करवा रहे हैं कि अगले सप्ताह के अंदर उन्हीं इन चीज़ों का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो मैं आप तमाम साथियों को बता देता हूँ कि इस बीच में अपनी राजस्थान पुलिस की जो भर्ती है उसके लेकर जो भी आप तमाम साथियों के सवाल है, जैसे मैं बात करता हूँ कि क्या सीटी में शामिल है, तो ये तो आप तमाम साथियों को पता ही है। फिजिकल पहले होगा या बाद में होगा, क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है, आयु क्या है, एग्जाम पैटर्न और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, पूरी बात मैं चर्चा करूंगा। तमाम साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर इस परिवार पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके पास 5 या 7 मिनट है तो आप इस वीडियो को आगे देखिएगा, क्योंकि अभी मैं इस क्लास को अपने इस सेशन को क्या करने वाला हूं, शुरू करने वाला हूं। अब देखो, सबसे पहले आप तमाम साथियों को इस बारे में पता होना चाहिए कि राजस्थान जो पुलिस की भर्ती है वो आप सभी को पता है कि भाई इस बार ये 12वीं लेवल के ऊपर थी। भाई 12 TH यानी 12वीं पास होनी जरूरी है। 12वीं पास जरूरी है तो उसके साथ में आपके CET 10+2 भी आपके पास होनी चाहिए। गुरुजी मैंने तो स्नातक स्तर दिया था, मेरे तो उससे हो जाएगा क्या? नहीं होगा। आपके 10+2 वाला पास होना क्या है, जरूरी है। फिर उसके बाद 12वीं पास होनी, फिर इधर से CET दोनों योग्यता हो गई। अब बात करता हूं मैं साथियों सिलेबस की, कि इसका सिलेबस क्या है। वैसे तो आज तक इसका कोई विस्तृत सिलेबस जारी नहीं है। राजस्थान GK कंप्लीट है इसके अंदर, राजस्थान GK और राजस्थान GK के साथ में राजस्थान का क्या रहेगा, करंट रहेगा। फिर गुरुजी इसके अंदर इंडिया GK है और इंडिया GK के साथ में इंडिया का क्या रहने वाला है, करंट रहने वाला है। तो दोनों ये भी ऐड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में साइंस तो आपकी रहने वाली ही है, उसके अलावा अभी मैथ भी हो रहा है। भाई मैथ के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, नॉर्मल जैसे पशु परिचर में थे वही मैथ की है। उसके अलावा रीजनिंग भी इसके अंदर शामिल है, ध्यान रखना भाई रीजनिंग भी इसमें शामिल है। ठीक, अगर ये चीजें इतनी शामिल है, उसके अलावा अलग से क्या है सर, कंप्यूटर और है। ये इसका क्या है साथियों, सिलेबस है, ध्यान रख लेना भाई। राजस्थान पुलिस का सिलेबस की बात करता हूँ, राजस्थान GK, इंडिया GK, साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है और कंप्यूटर है। ये अगर करंट आपको आता है तो उसके अलावा आपको ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात क्लियर, ठीक है सर। अब ये तो हो गया इसका सिलेबस, अभी ध्यान से सुनना कि कितने पदों पर यह भर्ती आने वाली है। भाई पद कितने हैं इस भर्ती के अंदर, कितने पदों पर यह भर्ती आएगी? तो पदों की संख्या की मैं बात करता हूं तो 9000+ यानी 9500 पदों के आसपास ये भर्ती आएगी, 9000 पदों पर। क्योंकि बजट के अंदर 5500 की थी या 5000 की थी या 5500 की थी, वो बजट के अंदर घोषणा थी। उसके अलावा बटालियन है इसमें, और अभी जो हाल फिलहाल अभी वर्तमान के अंदर आगामी 5 दिन या 7 दिनों के अंदर CM है, वो अपने राजस्थान के अंदर एक जो टेली कम्युनिकेशन वालों का है वो एक कोई बड़े ऑफिस का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो ज्वाइनिंग भी पीछे वालों को साथ में मिलेगी और उसके साथ साथ में वहां पर कुछ पद और नए सृजन किए जाएंगे, तो वो पद भी इसमें शामिल होंगे। तो टोटल कर इसमें जो 3 नई बटालियन बनी है RAC वाली, तो वो भी इसमें शामिल होगी। तो गुरुजी RAC CET के थ्रू होगी, बिल्कुल। यानी अगर इसमें 12वीं लेवल पास कर दिया है तो इसके नॉर्मल सी बात है, इसको पुलिस एग्जाम है वो आपका RAC वाला CET के थ्रू ही होने वाला है। यानी अगर आपने CET दे रखा है तभी आप इस भर्ती में शामिल होंगे। बाकी तो आगे का क्या पता भाई, सरकार के जो वैकेंसी के अंदर सरकार क्या रूल निकाले क्या नहीं निकाले। फिर उसके बाद में ये 9000+ पद है आपके पास में, ठीक है। इन 9000 पदों के अंदर आपको तमाम साथियों को इस बारे में विदित होना जरूरी है कि आपके पास में CET और 12वीं पास होने दोनों जरूरी है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने पद बता दिए, अब इसमें गुरुजी पहले फिजिकल होगा कि नहीं होगा? पहले फिजिकल ही होगा, यानी मानकर चले पहले क्या होगा, 100% फिजिकल होगा। दौड़ की तैयारी बढ़िया रखें, और फिजिकल होने के बाद पिछले पेपर की तरह ही आपका क्या होगा, फिर पेपर होगा। लेकिन एक चीज और, पिछली बार 15 गुणा की लिस्ट थी, पिछली बार कितनी थी, 15 गुणा की लिस्ट थी। तो सरकार ये भी कह सकती है, क्योंकि इस बार 40% पास के लिए रखा है, तो पहले क्या करवा सकती है, आपसे पेपर भी करवा सकती है, ये भी बात ध्यान रख लेना।
अभी इसके बारे में मैं कह रहा हूं कि अगर पेपर पहले होगा ना, तो पेपर पहले इसलिए होगा क्योंकि 40% वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा होगी, और 2 लाख से ज्यादा अगर 3 लाख विद्यार्थी इसमें फॉरम अप्लाई, नॉर्मल सी बात है 4 लाख के समथिंग फॉरम जाएंगे, तो 4 लाख जब फॉरम जाएंगे तो उनका एक साथ में फिजिकल होना कठिन हो जाता है। 4 लाख लगते ही अपने को बहुत हो जाते हैं फिजिकल करवाना, क्योंकि चाहे संभाग मुख्यालय पर करवाएंगे तो भी दिक्कत होगी। तो हो सकता है इसमें पेपर भी कर दे, वो तो इनके पास में है, वो जैसा करेंगे जैसा उचित उनको लगेगा वैसा करेंगे। बाकी लगभग पहले फिजिकली होगा, आप अपनी दौड़ की तैयारी रखें जिनका 40% बन रहे हैं। फिर गुरुजी उसके बाद में फिजिकल के बाद आपका पेपर होगा, पेपर के लिए मैंने आपको सिलेबस बता दिया कि सिलेबस कौन कौन सा रहने वाला है, यही सिलेबस रहेगा सेम, इसमें कोई अन्य चीजें नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे नए, जैसे अभी हाल फिलहाल जैसे मान लो कि बालकों से संबंधित कोई नए जो अधिनियम बने हैं, नई जो धाराएं जुड़ी है, आईपीसी पैनल कोड जो चेंज हुआ है, तो वो चीजें आपकी इसके अंदर शामिल हो सकती है, ध्यान रखना। आईपीसी वाले और बाल बच्चों से संबंधित जो भी अधिकार अधिनियम है वो भी इसमें सिलेबस में आपके शामिल हो सकते हैं। फिर उसके बाद में पद बता दिए, फिजिकल को लेकर अपने चर्चा कर ली। अब फिर उसके बाद में आपके भी सीटी में होगी, फिजिकल पहले होगा या बाद में, क्वालिफिकेशन आपके पास 10वीं 12वीं, योग्यता मैंने आपको बता दिया कि 10वीं 12वीं पास होने जरूरी है, क्वालिफिकेशन 12वीं, सीटी पास होने जरूरी है। अब बात आई आयु, एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया, नहीं सिलेबस मैंने बता दिया, एग्जाम पैटर्न की बात है, यानी कि पेपर है वो ऑनलाइन होगा। पिछली बार पेपर ऑनलाइन हुआ और आगे भी पेपर क्या होगा साथियों, ऑनलाइन होगा, क्योंकि जब पहली बार 2018 वाली भर्ती है शायद मेरे हिसाब से उसके अंदर 17-18 वाली में जब पहली बार इन्होंने ऑनलाइन करवाने का विचार किया, लेकिन वो लीक हो गया था, जिसकी वजह से पहली बार ऑनलाइन अभी पीछे हुआ है, ये पीछे वाली भर्ती के अंदर पेपर ऑनलाइन होगा आपका। फिर उसके बाद में आपका मेडिकल हो जाएगा और उसके बाद में डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब पेपर के अंदर आपको तैयारी करनी पड़ेगी तो बेहतर रहेगा आप लूसेंट बुक आज से ही पढ़नी शुरू कर दीजिएगा। अगर लूसेंट बुक आप लगातार आज से पढ़ रहे हो, मैं कल को ऐसे मैं कहूंगी भी मैं ही कहूंगा ये लो मेरी राजस्थान पुलिस की गाइड आ गई आप इसे ले लो, मैं तो कहूंगा भैया मेरे तो काम है, लेकिन आप लूसेंट बुक बेहतर तरीके से पढ़े ताकि पिछली बार की तरह विद्यार्थियों के लिए जो प्रश्न गलत हुए थे वो आपके कभी गलत ना हो। मैं सीधी सी बात जानता हूँ, है ना, कल को मेरी बुक आ जाएगी तो मैं प्रचार करूंगा, भाई बुक का कार्य चल रहा है तो आ जाएगी तो मैं प्रचार करूंगा, लेकिन आप लूसेंट बुक पढ़िएगा बी पार्ट के लिए बेहतर रहोगे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से आगे की बातें, सर क्लास कैसी रहने वाली है इसकी, भाई क्लास और कोर्स से संबंधित कोई बात तो बिल्कुल है, कोर्स पूरा का पूरा आपके लिए फ्री रहने वाला है। सर फ्री, फ्री की तो वैल्यू ही नहीं करते हम, हाँ फ्री रहेगा, वैल्यू करो या ना करो, सर यूट्यूब पर रहेगा, बिल्कुल इसी यूट्यूब परिवार के ऊपर सारी क्लासें आपके लिए क्या रहने वाली है, फ्री रहेगी। तो सर हम हमारा अभ्यास कहाँ करेंगे फिर, आपने तो करवा दिया फ्री करवा दिया, तो फिर हम अभ्यास भी तो आपसे ही करेंगे, बिल्कुल राजस्थान नंबर वन टेस्ट थी जो अपना स्लोगन शुरुआत से रहा है, मैं उसी स्लोगन की बात कर रहा हूं साथियों, वो स्लोगन आपके सामने ये रहा। अगर आप चाहे जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप चाहे राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए मैंने आप सभी के लिए एक कॉमन आपके लिए रख दिया है, 81 रुपये में एक टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है, जिसमें आपके 11 मॉडल पेपर रहेंगे, पहला क्या रहेगा सभी में फ्री रहेगा, बाकी इसके अंदर और अन्य चलाएंगे वो टॉपिक वाइज चलाएंगे कि ये टॉपिक है और इन टॉपिक वाइज आपका क्या होने वाला है, टेस्ट होने वाला है, ये ध्यान रख लेना। तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी चलाएंगे और उसके अलावा ये टेस्ट आपके लिए 11-11 टेस्ट आपके लिए अवेलेबल करवा दिए, ये आपका अभ्यास करने का बड़ा आधार रहेगा। सर क्या क्या मिलेगा, पूरे सिलेबस पर रहेंगे नए जिलों के अनुसार, व्याख्या सहित नए पैटर्न के अनुसार, हालांकि आलोक राज ने कह दिया कि जो पीछे सिलेबस था उसी सिलेबस के अंदर रहेगा, एक टॉपिक बढ़ सकता है घट सकता है, बाकी आप पीछे सिलेबस के अनुसार क्या करें तैयारी करें, यह मैंने आपको बता दिया है। तो आप तमाम साथी इस सेशन के अंदर जो भी जुड़े हैं, आयु के लिए लेकर बात है तो आयु आपकी 25 साल है, उसके बाद जो आरक्षण के माध्यम से जो छूट मिलती है वो आपके लिए अलग है, है ना, यानी जो छूट मिलेगी वो आपकी अलग है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल जीके गजान सर पर जुड़े रहे, जहां पर आपको समय समय पर सारी जानकारियां मिलती रहेगी, ताकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए आपकी जरूरत ना पड़े। अभी तो मैंने पूरा इसलिए बता दिया क्योंकि आप तमाम साथियों के जितने सवाल हैं वो सारे के सारे सवाल एक साथ में क्या हो गए, क्लियर हो गए। तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन करें, जहां पर आपको सारी सूचनाएं मिलती रहेगी, इसलिए अपने को वीडियो ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप सभी तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के माध्यम से, हो सकता है उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सभी को एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से क्लियर हो गई है। ओके फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी आप सभी साथी उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिएगा, सर टेस्ट ये वाला लोगो है, आप उड़ान एजुकेशन लिखोगे आपके सामने मिल जाएगा, यानी उड़ान एजुकेशन ऐप UDAAN उड़ान EDUCATION एजुकेशन ऐप डाउनलोड करो, जहां पर आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो जो मेरे पास रहेंगे आपके, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें ताकि बेहतर आप अपनी तैयारी कर सको। ओके सभी को धन्यवाद, खमागणी, राम राम साहब।